जैसे कम ही लोग होंगे जिन्हें डीएमएफटी फंड की जानकारी होगी कि उसे कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। आदिवासियों के लिए टीएसपी और टीएडी के अलावा भी कौन से बजट होते हैं? डॉक्टर सीपी जोशी के योग्यता अनुभव और उनके विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते पद का ऐसा लाभ फायदा उनके विधायक होने से मिल रहा है कि शायद किसी दूसरे विधानसभा की जनता को उनसे ईर्ष्या होने लगी। पेश एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में सभी को साथ लेकर कुर्सी का भलीभांति जिम्मा संभाल रखे सदन में दिखती है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की जो काबिलियत और इंटेलिजेंस। डॉक्टर सीपी जैसे प्रतिभाशाली और काबिल विधायक मिलने से नाथद्वारा की जनता को मिल रहा है दोहरा लाभ। डॉक्टर जोशी जब पहली बार विधायक बने उससे पहले पीने के पानी को तरसते थे लोग, जहां बावड़ी की सीढ़ियां उतरकर कटोरी से पानी पीते थे लोग, वहां बाघेरी का नाका के पास चिकलवास डैम परियोजना से नाथद्वारा में पानी लाने की चुनौती पूरी, गांव के हर घर में नल कनेक्शन, जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा लक्ष्य हासिल करने वाला नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र। नाथद्वारा में विकास की एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जिधर देखो सड़कें हों चाहे जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाएं। डॉक्टर सी पी जोशी जी, उनका कद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथी तो ही, तो कहना है कि क्षेत्र को लाभ मिल पा। राजस्थान विधानसभा में सभी को साथ लेकर और कुर्सी का जिम्मा भलीभांति संभालने वाले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की जो काबिलियत और इंटेलिजेंस सदन में देखने को मिलती है, उनकी इस प्रतिभा का फायदा उन जैसा विधायक मिलने से नाथद्वारा की जनता को भी मिल रहा है। बावड़ी में सीढ़ियां उतरने के बाद उसके नीचे लकड़ी की सीढ़ियां और वहां रखी कटोरी से पानी पीने जैसे हालात वाले नाथद्वारा में पहले बाघेरी का नाका नल परियोजना समेत अन्य योजनाओं से जल पहुंचाया और आज नाथद्वारा का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पीने का पानी घरों तक नहीं पहुंचा हो। इतना ही नहीं, इलाके में पेयजल को लेकर जोशी कितने गंभीर हैं कि नाथद्वारा की पानी की समस्या के स्थायी और दूरगामी समाधान के लिए चिकलवास परियोजना भी तैयार है। ये है चिकलवास डैम जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की विकास की नई गाथा लिखेगा। डॉक्टर सीपी जोशी अब इससे नाथद्वारा की प्यास बुझाने का सपना संजो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 100 करोड़ रुपए की एक परियोजना बनाई है, जिसके तहत अब नाथद्वारा क्षेत्र की प्यास चिकलवास डैम से बुझाई जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मंत्री के बाद राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी राजस्थान विधानसभा के साथ नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की कुल ग्राम पंचायतों 41 पंचायतों में 4 साल में 562 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य। कभी नाथद्वारा से सायाखेड़ा आने में लगते थे 3 घंटे, खमनौर से मौलेला के लिए आना पड़ता था नाथद्वारा, सड़कें नहीं होने से मार्गों पर भर जाता था पानी, बिछा विश्व स्तरीय सड़कों का जाल। केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के अनुभव वाला विधायक हर विधानसभा क्षेत्र की जनता को नसीब नहीं होता, लिहाजा उनके कामों के चलते जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिलता है और इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद डॉक्टर जोशी का एक पैर नाथद्वारा में होता है और हमेशा वो आपको जनता से घिरे नजर आएंगे। पेशे से प्रोफेसर भी रहे डॉक्टर जोशी के ज्ञान की बदौलत लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा। हर कार्यक्रम में वो बच्चियों को पढ़ाने और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 12वीं तक का स्कूल नहीं हो, वो भी अंग्रेजी मीडियम। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी महिला को स्वयं सहायता से जोड़कर काबिल नहीं बना दिया गया हो। हर महिला से मिलना और समझाना कोई डॉक्टर जोशी से सीखे। मिल रहा है किसके दूध के हिसाब से है, किसी के 7,000 भी मिलता है, 8,000 बिल बन जाता है। 80 SLG के कम से कम 1-1 लाख के लोन हो चुके हैं और 2-2 लाख के लोन भी 35 SLG के हो चुके हैं।
थर्ड लोन जो है वो भी मैंने 30 एसएचजी के करवा चुकी हूँ मैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक से भी मैंने महिलाओं को 3-3 लाख तक का लोन दिलवाया। मुझे 3,000 रुपए महीने का मानदेय मिलता है। बच्चियों की शिक्षा पर डॉक्टर जोशी का जोर, हर पंचायत में 12वीं तक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों जैसे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नई पीढ़ी हो रही तैयार। आरसीए अध्यक्ष रहे डॉक्टर जोशी का नाथद्वारा में खेलों पर फोकस। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी, नाथद्वारा के खेल ग्राउंड में जिला स्तर पर तैयार हो रहे खिलाड़ी, क्रिकेट के अलावा सभी खेलों के खिलाड़ी हो रहे तैयार। एक शिक्षित बच्ची दो परिवारों को सुधारती है, इस सोच पर चलने वाले डॉक्टर जोशी के प्रयासों से आदिवासी इलाकों की हर बच्ची स्कूल पहुंच रही है। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉन्वेंट स्कूलों और साथ ही ग्राउंड में स्पोर्ट्स पर हाथ आजमा रही ये बच्चियां सरकारी अंग्रेजी मीडियम में पढ़कर शहर की बच्चियों से प्रतियोगिता करने के काबिल बनी। तो जोशी के विजन से इतना ही नहीं, नाथद्वारा के युवाओं के लिए जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनकर नाम रोशन कर सकने के भी माकूल इंतजाम स्टेडियम ग्राउंड बनाकर नाथद्वारा में कर चुके हैं। स्कूल का विकास हुआ, पीछे जिम बन रही है और लाइब्रेरी बन रही है, बस। हाँ, टीचर भी बड़े। पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह थे यहाँ? हाँ, पहले थे। खेलने के ग्राउंड वगैरह पहले से भी? हाँ। और क्या रहा यहाँ पे? और अभी यहाँ पे शौचालय का काम भी करवाया है, पहले भी था, उसकी रिपेयरिंग करवाई। इंग्लिश मीडियम होगी तो पढ़ाई इंग्लिश वाला टीचर आएंगे, उसके बाद में इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी बच्चों को। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं? हाँ। अभी पढ़ाते हैं? अभी इंग्लिश नहीं पढ़ाते, अभी 5वीं तक ही हुई है इंग्लिश मीडियम। जिला स्तर के बाद स्टेट और नेशनल खेले खिलाड़ी, ऐसी है व्यवस्था। नाथद्वारा के हर गांव में हर घर की महिला जुड़ी है इस समूह से। नाथद्वारा के महिला स्वयं सहायता समूह भी राजस्थान में रच रहे कीर्तिमान। नाथद्वारा शहर में माया नगरी सी चकाचौंध, विकास गाथा सुनाते गांव। 41 ग्राम पंचायतों में हुए 562 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य। माया नगरी मुंबई सी जगमगाती इमारतें, चौड़ी सड़कें, पार्क और चकाचौंध शहर में डॉक्टर जोशी के विकास को दिखाने के लिए काफी कही जा सकती है, लेकिन गांवों की तस्वीरें भी आपको हैरत में डाल रही होंगी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन 41 ग्राम पंचायतों में ही डॉक्टर जोशी 562 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवा चुके हैं। एक एक पंचायत में करोड़ों के काम। इस समय जो इन 4 सालों में जो कार्य हुए हैं, करीबन वो 25 से 30 सालों से भी नहीं हुए होंगे। मंदिर मंडल और नगर पालिका हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती है। ये स्टेडियम तैयार हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना पानी की व्यवस्था थी, ना किसी साहब ने फ्रिज कूलर सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। और ये जो आप ये जो विकास कार्य देख रहे हैं वो आपके सामने है कि नेट प्रैक्टिस के लिए फ्लड लाइट, जो रात को बच्चे नहीं खेल पाते थे, जो शाम को नहीं आ पाते थे, वो भी उन्होंने लगाई है। रोडों का काम वगैरह सब अच्छा चल रहा है। डेली मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर बागोल चौराहे पे डेली अप डाउन करता हूँ, मगर काम हर जगह अभी रोड का काम है, पानी का है, छोटे मोटे अनिकट है, सब काम तो अच्छा चल रहा है सर। संपूर्ण नाथद्वारा में वही विकास की गंगा। डॉक्टर सीपी जोशी का है कहना, विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक का मैं एमएलए, जहां से मिले कम वोट वहां भी करवाए विकास के काम। सीपी जोशी के विकास कार्यों से दूसरे विधायक भी ले रहे प्रेरणा। नाथद्वारा में बह रही विकास गंगा से कोई अछूता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी वहां भी विकास करवाने में कमी नहीं छोड़ते जहां से उन्हें चुनाव में कम वोट मिले। उनका मानना है कि वो विधानसभा में रहने वाले हर नागरिक के एमएलए हैं। इस सोच के साथ क्षेत्र के विकास में नए आयाम रच रहे डॉक्टर सीपी जोशी से प्रदेश के दूसरे विधायक भी प्रेरणा ले रहे हैं।
सर, ओवरऑल अगर हम बात करें विकास को लेकर के, आपका 4 साल का सफर कैसा रहा सर एज ए एमएलए नाथ द्वारा? 4 साल का मेरा जो लंबे समय का अनुभव है, राजस्थान सरकार का मंत्री, भारत सरकार का मंत्री, सरकार का जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस में अपने क्षेत्र के विकास को किस तरह से कर सकते हैं, सरकार की जो योजना है उस योजनाओं का कैसे सेंक्शन कराना, वित्तीय स्वीकृति कराना, उसको मूर्त रूप में देना, उसको मैं अच्छे ढंग से होते हुए देख रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। सर मैं कुछ भी बात कर रहा था लोगों से, कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो लैप्स हो जाते हैं लेकिन आपको आपने उसको यूटिलाइज किया, तो सर और लोगों के लिए भी मैसेज है, आप एक स्पीकर भी हैं, एमएलएस बहुत सारे आपके साथ में आते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है? स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे TSP के इलाके के अलावा जो आदिवासी है उनको इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज की स्कीम है, टेक्नोली उसमें एग्रीकल्चर के संबंध में वो लंबे समय से उसका पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, तो हमने कोशिश की कमिश्नर से बात करके, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको कृषि उपकरण करके जितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए, उपकरण मिलने चाहिए, वो देने का काम किया। मगरा की योजना जिसके अंतर्गत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा मिल सकता है, उसको पैसा लेने का काम किया। और जो TAD के अलावा जो लोग हैं आदिवासी, उनके विकास के जो पैसे हैं जो ट्राइबल कमिश्नर से मिल सकते हैं, उस पैसे को भी लाकर जो हमारे नीचे हेमलेट्स में स्कूल्स हैं, खास तौर से जो आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए भी वित्तीय स्वीकृति करने का काम किया। तो जितनी आपकी जानकारी उसका लाभ लेकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। हम फॉर्चुनेट है कि राजसमंद जिले में DMFT का सब्सटेंशियल पैसा आता है, DMFT के पैसे को परमानेंट स्टेट एसेट डेवलप करने का काम किया, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेवलप डिक्लेयर कराया, उसकी बिल्डिंग बना रही है, यहाँ पर वेटनरी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, उसकी बिल्डिंग बन रही है, MCH की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ कॉलेज बन रहे हैं, हमने रेलमगरा में कॉलेज खुलाया, खमनौर में कॉलेज खुलाया, ITI खुले खमनौर में, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग जगह से जो पैसा है वित्तीय स्वीकृति लेकर उस काम को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। सर ये जो काम हो पा रहे हैं और जो पैसे का यूटिलाइजेशन आपने जो फंड्स जनरेट कराए, ये आपका एक्सपीरियंस या एज ए स्पीकर आपको ज़्यादा फायदा मिल पाया है? दोनों चीज़, आप स्पीकर का भी फायदा मिलता है और जो आपका अनुभव उसका भी लाभ मिलता है। स्पीकर की जो पोजीशन है उस पोजीशन से निश्चित तौर पर हर मंत्री आपको सहयोग करता है और उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। तो जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है, आपका एक्सपीरियंस प्लस पोजीशन ऑफ स्पीकर, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। सर 18 में जब आप MLA बन के आए, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या आइडेंटिफाई किया था कि क्षेत्र में मुझे ये चीज़ें हैं जिसमें प्राथमिकता से कराना चाहिए जो मूर्त रूप ले रही हैं? आपको आज नज़र आ रहा है नाथद्वारा से सहायक खड़ा आने में, जब मैं पहली बार SC में MLA बना तो बरसात में कोई भी आदमी नाथद्वारा से सहायक खड़ा में 2.5-3 घंटे से पहले नहीं आ सकता था। खमनौर और मोल्ला के बीच में नदी में बरसात में आने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि यदि खमनौर आना होता तो नाथद्वारा होकर आना पड़ता था, तो यहाँ पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर एमलेट में नहीं था, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पर पीने की पानी की भयंकर समस्या थी। आज हम कल्पना नहीं कर रहे, मैं जब पहली बार MLA बन के आया तो कुटवा में मैंने अपनी आँख से देखा कि पूरी बावड़ी की सीढ़ी उतरने के बाद लकड़ी की एक सीढ़ी लगा रखी थी और कटोरी से पानी भर के पीने का पानी कर रहे, तो यहाँ पर एक भयंकर पीने की पानी की प्रॉब्लम थी। सेमा गाँव था, कोसेवाड़ा था, चुनाव लड़ने गए SC में तब लिख रखा था कि पानी नहीं तो वोट नहीं, तो मैंने SC में बहुत नज़दीक से यहाँ पर पीने की पानी की समस्या के बारे में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हमने चिकलवास की योजना बनाई और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो मिनरल वाटर आपको मिल रहा है उस लेवल का मिनरल वाटर हम जल जीवन योजना के माध्यम से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के हर घर में पानी पहुँचाने का काम कर पाएंगे। तो पानी उपलब्ध था इसलिए पानी पहुँचाने का काम हुआ, यदि पानी उपलब्ध नहीं होता तो आप पानी पहुँचाने का काम नहीं कर सकता। तो मैं फॉर्चुनेट था, मैंने बागेरी की योजना बनाई, मैं फॉर्चुनेट था भारत सरकार राजस्थान सरकार मिलकर जल जीवन योजना बनी और मैंने रेगुलर इसको मॉनिटरिंग किया, तो आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि केवल मात्र नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ही जल जीवन योजना का सबसे हाईएस्ट लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, बाकी जगह पर अभी तक अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि उस गांव से वोट नहीं मिला, उस पंचायत से वोट नहीं मिला, लिहाजा वहाँ पे काम नहीं कराना चाहिए, आपने सर इस नज़रिए से देखा कभी? नहीं, मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, विधायक में चुनने में लोगों को चॉइस है, वो चाहे इसको वोट दें, पर जब आप इलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए सभी लोग समान है, इसलिए मैं कभी वोट के आधार पर विकास का काम नहीं कर रहा था। मेरा धर्म बनता है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, जिस जगह पर जो भी समस्या है मुझे वोट देने दें उस क्षेत्र में समस्या का निराकरण करने का काम करता हूँ। ओवरऑल सर कितने काम हो गए होंगे 4 साल में? नहीं भाई यूँ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इरिगेशन, PWD, PSD और DMFT का पैसा मिलाकर अभी 400 करोड़ से ज़्यादा के काम नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर CP जोशी साहब हमारे साथ में, और जिन्होंने निश्चित रूप से एक नाथद्वारा की तस्वीर तो
तभी से बदली हुई है जब श्रीनाथ जी का टेंपल यहाँ पे है और विश्व विख्यात है। लेकिन सीपी साहब ने एक बात बड़ी कही है और हर विधायक को इस बात को लेना भी चाहिए, आप चुनाव से पहले जनता की चॉइस है, बनने के बाद में जनता आपकी चॉइस है, आपको काम उसी तरह से करना चाहिए और एक आदर्श के रूप में होना चाहिए। हम ये सोच के अगर विकास करें कि उसने वोट दिया नहीं दिया था, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जनटीवी न्यूज, नाथद्वारा। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौट